तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज मेरे पास आप लोगों के लिए दो बड़े सरप्राइजेस हैं। जी हाँ, तो पहला सरप्राइज हम जल्दी से रिवील करते हैं जो कि है ये। भाई साहब क्या नाम है इसका? अरे नाम क्या? अरे जोरमूटाइड। भाई क्या खतरनाक नाम है इसका। ओके गाइस, तो ये मुझे एक से मिला था और एक और चीज है जो मुझे एक से मिली, जैसे कि आप देख सकते हो ये सुकाजू। भाई साहब क्या खतरनाक है ये दोनों। और इन दोनों के मैंने लेवल अपग्रेड करे, दोनों लेवल 1 पे आए थे। कितने लेवल के ये? हाँ 25, 26, आई मीन 26 लेवल के। बहुत जल्दी हो गए क्योंकि फर्स्ट में लेवल बहुत स्पीड में बढ़ते। और ओके, तो इनको मैंने सबसे ज्यादा अपग्रेड कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आता था, यहाँ पर मैं मेरी रेसिपी या डाल देता था बेरीज और इनको काम पे रख देता था यहाँ पर। और भाई क्या एक्सपी मिलती स्पीड में, मेरी भी एक्सपी, मेरा भी लेवल देखो 24 से 26 हो गया, दो लेवल बढ़ गया। तो वैसे तो बहुत टाइम भी लगता है, ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में हो जाएगा, भाई बहुत टाइम लगता है। एकदम गेम ऑन रख के छोड़ दो ऐसा रहता। अंधी मतलब मैंने पता कितनी बेरीज, और ये देखो भाई 800 बेरीज और 2-3 हजार बेरीज तो मैं मेरे पुराने बेस में रख के आया हूँ। और ये थोड़ी बहुत बेरीज यहाँ पर भी रखी, भाई इतनी बेरीज कर ली थी मैंने, क्योंकि इनको अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर 600+ बेरीज पड़ी हुई है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कितनी जगह एक्सप्लोर करी, जो मैं इतने सारे अंडे लेके आया हूँ ना एक्स भाई, वो मैं यहाँ से लेके आया हूँ देखो। ओके, तो यहाँ पर हमें मेन बॉस की लोकेशन भी मिल गई जिसका नाम है जेट ड्रैगन। भाई साहब इतना स्पीड वाला ड्रैगन ही है। और अभी तो हम 30 लेवल वालों से नहीं लड़ पा रहे, इससे तो घंटा लड़ेंगे। इसका मैक्स लेवल है 50 और गेम का भी मैक्स लेवल है 50। तो भाई इससे तो हमारी लास्ट में फाइट होगी। ये देखो भाई यहाँ पर इतनी सारी लोकेशन पे मैं घूम के आ गया हूँ और यहाँ पर भी बर्फीली जगह पे से घूम के आया हूँ। भाई ये जो आपको सीन दिख रहा है ना, ये भाई मेरे साथ क्या होता, पता मैं दिन के टाइम पे एकदम एक्सप्लोर करने इधर निकल गया था, रात को पड़ी ठंड और भाई मैं इस लोकेशन पे मर गया था। तो मैं वापस से यहाँ से वहां तक जाके मेरे कंबो लेके आया था, लूट लेके आया था, जिसमें मैं आपको एक अंडे दिखाता हूँ ठीक है। मुझे पता है वीडियो में मैं बहुत ज्यादा बोल बोल कर रहा हूँ, गेम नहीं खेल रहा हूँ, पर अभी मेरे ईग्स देखना ठीक है। ये देखो भाई, ये वैसे कॉमन ईग है, ये थोड़े बहुत अनकॉमन ईग है। उसके बाद ये देखो भाई, अच्छा ये भी कॉमन ईग है, यहाँ भी कॉमन ईग है भाई। रे भी टांग है बीच वाली में। जी हाँ यहाँ पर देखो भाई सब अनकॉमन ही है। और वैसे तो मैंने 3 से 4 रेयर एग अनलॉक कर दिया, रिवील कर दिया, खोल दिया, जिसमें से मुझे एक में मिला था ये देखो भाई ह्यूज फ्रोजन एग। तो मैंने एक ये भी बनाने के लिए रखा था जिसमें से मुझे मिला था हमारा ये वाला हाथी, कांग्या वाला हाथी, तो हमें ये मिला था। वैसे तो इसे तो मैंने कैप्चर करा, पर ये जो आपको दिख रहा है ना ये हमें लेवल 1 का मिला था, ये हमें लेवल 1 का मिला था। तो अभी उसका लेवल शायद 20 के आसपास हो गया, क्योंकि उससे मैंने वहां पर बेस में काम पे रख रखा है, इसलिए उसका भी लेवल अपग्रेड हो गया अपना। और गाइस मैं बताता हूँ मैंने इसको 42 लेवल वाले को कैसे पकड़ा। भाई पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इससे फाइट लूँ और फाइट लेकर मैं इससे कैप्चर करूँ। नहीं, मैंने क्या करा पता, मतलब मैं कहीं पर जा रहा था, यहाँ पर फ्रोजन वाली कोई सी जगह से या कहाँ से जा रहा था पता नहीं, कल की बात है। तो मैं वहां से जा रहा था और भाई इसकी हो गई फाइट, ये जो दिख रहा है ना आपको इसकी हो गई फाइट। वहां पर जो आते हैं ना 50 लेवल के वो शूटर, जो बड़े थग होते हैं ना भाई, जिनके 30-40+ लेवल होते हैं, तो वहां पर ये आ गए थे और ये उनसे भिड़ गया। भाई इसको लास्ट HP पे मैंने कैप्चर करा, और वो भी पता किससे, ये गीगा स्पियर से कैप्चर करा था। भाई मजा आ गया था। ओके, तो अभी हम जल्दी से गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। आज भी हम बहुत सारे नई नई लोकेशन पर जाएंगे और सबसे मेन आज हम इन दोनों की फाइट देखेंगे। भाई इन दोनों, ये दोनों फाइट लेते कैसे? वैसे तो इनकी सेडल वगैरह मेरे पे खुली नहीं है, जो कि बहुत ही गंदी बात है यार, मैं क्या ही बताऊं। इनकी मुझे सेडल चाहिए थी। और मैंने एक ये भी पकड़ा था भाई, ये तो वैसे आसानी से मिल गया था, आसानी से तो नहीं, थोड़ी फाइट लेनी पड़ी थी, इसके थ्रू मैंने फाइट ली थी इसकी। ओके, तो यहाँ ओ भाई ये एक भी हो गया देखो ह्यूज, इसमें भी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला भाई, बहुत रेयर एग है ये। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओ भाई कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है, न्यू पाल कैप्चर भाई, न्यू पाल मिला है मुझे, पता नहीं क्या मिला है। रुको एक बार, यहाँ पर ये रहा भाई, इसका लेवल बहुत स्पीड में बढ़ेगा पता है इसका बहुत। ओके, हमारा भी लेवल अपग्रेड हो गया भाई। क्या क्या हो रहा है गेम में, इतनी जल्दी जल्दी इतनी चीजें हो रही है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये फायर का काम करता है, और देखो भाई अब मैं इसका लेवल अपग्रेड करूँ जल्दी से, देखना ठीक है। ये जो है ना इस पे काम कर, चल ये देखो भाई अब इसकी XP देखना कितनी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। देखो +2,
पार्टी में नहीं रखा था इसलिए अब यहाँ से जाके इसकी एक्सपी देखो भाई, देख रहे हो ऊपर कैसे एक्सपी बढ़ रही है इसकी, मतलब 20 तक तो इसी स्पीड में बढ़ेगा, 20 के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी 25 बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी लेवल अभी 27 हो गया भाई। मैं 24 लेवल से इनको सिर्फ अपग्रेड ही करा जा रहा हूँ और मेरा खुद का 27 लेवल हो गया भाई। जोरमूटाइट के दो वर्जन है, जो कि है एक रेड और एक है ब्लू। भाई मुझे रेड वाला पसंद था और रेड वाला ही हमें मिला भाई, क्या किस्मत है हमारी। गाइस कुछ पोकेमोन्स तो मैंने इतने हाई लेवल के कैप्चर कर रखे हैं ना, जिनकी पावर लो हो जाती है मेरे साथ रहते हुए, क्योंकि मेरा भी लेवल कम है ना इसलिए। तो अगर आप हाई लेवल के पोकेमोन्स पकड़ लेते हो तो आपका जो लेवल होगा ना वो उतने ही लेवल के आएंगे, वो अलग बात है, वो लेवल अपग्रेड भी होता रहेगा आपका। भाई मुझे पता, कभी कभी ऐसा लगता है मैंने यहाँ पर फालतू में मेरा बेस बनाया है, तो ये खट 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 वाली आवाज़ भाई, ये सभी पेड़ पौधे तो इतने तोड़ते हैं ना, कभी भी क्लियर नहीं करेंगे, बस तोड़ेंगे। ओ भाई इतनी बड़ी बन रही है, तो भाई यहाँ तो जगह ही नहीं यार, इसे मैं कहाँ बनाऊँ भाई साहब, मैं इसको यहीं पर ही बना रहा हूँ भाई, कचरा कर रहा हूँ मैं, हर जगह का कचरा कर रहा हूँ मैं भाई। मैंने जब से वीडियो स्टार्ट करी ना अभी तक मैं बेस से बाहर ही नहीं निकला हूँ, पता नहीं मैं इसमें से कितना ही पार्ट कट कर दूंगा। और यहाँ पर मेन चीज है भाई, इसमें देखो मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ दो लेवल और करने और मेरी कैप्चर पावर 100% हो जाएगी, मतलब 100% तो नहीं हो जाएगी, एकदम मैक्स हो जाएगी। तो अभी फास्ट ट्रैवल करके चलते हैं एकदम न्यू लोकेशन पे। ये कौन सा भाई 49 लेवल का बॉस, ये कौन सा बॉस है भाई, हालत टाइट हो जाएगी यहाँ पर। तो भाई मैं इस पहाड़ के उस तरफ गया था, तो यहाँ से मैं लेफ्ट की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर पोकेमोन्स तो नजर आ नहीं रहे यार, पोकेमोन्स किधर है। अबे मुझे वो डेजर्ट वाले इलाके में जाना था पता, वहां पर एटलीस्ट 30 लेवल के आसपास दिख रहे थे भाई। यहाँ पर देखो सब 40-40 लेवल के, 30 लेवल का था अभी तक कोई सा भी पोकेमोन नहीं मिला। ये देखो यहाँ पर एक और कोई सा ह्यूज एक पड़े हुआ है। अभी यहाँ का फास्ट ट्रैवल नहीं है क्या, इतनी बड़ी जगह पे फास्ट ट्रैवल नहीं है, बोलो भाई। मेरे को पता एक कोई सा रेयर वो मिला था, अंडा मिला था, एक मिला था, एकदम दिखने में भी अलग था, जिससे मुझे भाई ये मिला, जोरमूटाइट मिला भाई, पता नहीं कौन सा था ये। अबे यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं यार, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हम तो फास्ट ट्रैवल करके एक काम करते हैं, उस तरफ ही चलते हैं, नए वाले रोबिन वगैरह है जो वहां पर चलते हैं भाई। इसको मैं कैप्चर नहीं करूंगा, वो रहा, इसको मैं कैप्चर नहीं करूंगा यार, ये कैप्चर के लायक है नहीं, मुझे बहुत घटिया लगता है ये। वैसे 31 लेवल है, इसको कर सकते है कैप्चर, ट्राई करूंगा मैं, ट्राई तो बनता है कैप्चर करने के लिए। ये खा, अबे आग लगा दी इसने, अबे मुझे मानना आ रहा है, आई ये हवा में उड़ा दिया। अबे दूसरे पोकेमोन्स को ना मार दियो यार, ये मेरे पोकेमोन्स से फाइट ना लेके मेरे पीछे क्यों भाग रहा, मैं मर गया तो मेरी 12 बज जाएगी। मारती रहे मारती रहे, सही मार रही है, चल बे तुझे लगा तो इसकी हेल्थ कम करेगा, ये खा भाई। मुझे इसको छोड़ना, तू जा तू लड़ इससे, ओए हेडशॉट खाया, ओ तेनू जीत सकते जीत सकते जीत सकते हैं, वैसे तो जीत जाएंगे, इतना कोई है नहीं, क्योंकि हमारा भी 27 लेवल है, मजाक थोड़ी ना। अबे डैमेज तो यार यही दे रहा, कुछ भी बोलो डैमेज तो यही दे रहा, मार इसको। ओ 200 एचपी रह गई है इसकी, लेट्स गो। ओ भाई अबे आ जा, रात होने वाली है, रात सोने से पहले कैप्चर हो जाएगा तू। यार रेड वाली स्पेयर यूज करूं भाई, 22 एचपी इसकी, ओनली 22। किसी पोकेमोन को मैंने अभी गलती से रिवाइव कर दिया ना तो वो इसकी बुद्धि चटका देंगे, लेट्स गो। आ गया पहला बॉस है जो मेरे पास आने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। यह तो मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि न्यू पोकेमोन है, इस टाइप का मैंने एक भी पोकेमोन पकड़ नहीं रखा। जस्ट इमेजिन गाइस, यहाँ पर एक बाइक हो, यहाँ तो स्पीड में लागे भाई। यहाँ पर एक अलग टावर वाला बॉस है भाई, इससे तो फाइट नहीं ले रहा मैं, इस टावर वाले बॉस से तो फाइट नहीं ले रहा क्योंकि यह बहुत खतरनाक होगा। एक बार अंदर जाके आए क्या कहते हो, फास्ट ट्रैवल तो है ही हम पे भाई। सुजुका ये रहा, इससे फाइट ले लूँ क्या मैं, यही लेट्स गो, मैं ले रहा हूं इससे फाइट भाई। वो उस पोकेमोन को ना मार दे, नीचे वाले ड्रैगन को, वरना वो अलग फाइट लेना आएगा फिर। वो देखो उसको छेड़ दिया ना, वो अलग से फाइट लेगा। तुम दोनों आपस में लड़ाओ ना यार, 35 लेवल वाले हो तुम,
भाई छूट छूट छूट, मार देगा वो, मार देगा भाई, मार देगा वो, मार देगा। अरे भाई दूसरा पोकेमोन मिल गया, फालतू का मिल गया, तेरी भैंस की। ये खा भाई, तुझे लगा तू हमला करेगा और मैं मेरा पोकेमोन का खाने दूंगा, ये खा। ओ शिट भाई, मेरे पोकेमोन से फाइट लेना, मेरे से क्यों ले रहा है? ये खा, मुझे मनना नहीं, मनना नहीं। ओ भाई मनना नहीं है, इससे फाइट ले। अरे यार मुझे मत मार, मुझे मत मार, मेरी एचपी बहुत लो है, मुझे मत मार प्लीज, मुझे मत मार। ओ तेनू सही हमला था, इधर गया। अबे नीचे क्यों गया? इधर, यहां फाइट ले। मैं रोबिन को छोड़ूं? रोबिन कुछ करेगा? इसको सबसे पहले तो ऊपर बुला। प्लीज 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 आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा, तेरी एचपी बहुत लो है, प्लीज तुझे आना ही पड़ेगा। मेगा स्पेयर डालू? वो मेगा स्पेयर तो काम ही नहीं कर मेगा स्पेयर तो टकरा के आ गई भाई, हाइपर स्पेयर डालता हूँ। सुजाकू, लेट्स गो सुजाकू भाई, 2000 एक्सपी मिली है भाई, मजा भाई। रात होते ही अलग से वो हेल्थ कम होने लग गई मेरी, बोलो भाई। मेरे पोकेमोन्स ने ना मजा ला दिया भाई, और इन सब की हालत भी खराब कर दी सुजाकू ने भाई। मैंने 42 वाले को मार दिया था, ये मामोरश तब तो बच्ची है मेरे सामने, 38 है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।